हाय गाइस, तो बेसिकली मैं आप लोगों को आज को छोटा करके एक पार्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं खतर से माल्टा कैसे आया। ओके, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैं नेक्स्ट एक और एक वीडियो में बनाऊंगा। तो जितने सारे लोग माल्टा के बारे में और भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गैदर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पास में रहे हुए बेल बटन को भी ऑल में सिलेक्ट कर दे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जो लोग कतर में काम करते हैं या तो फिर पाकिस्तान में काम करते हैं, कुवैत में, ओमान में, जहां पे VFS ग्लोबल नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग शायद यहाँ से माल्टा नहीं जा सकते हैं, हम लोग को शायद अपना कंट्री इंडिया में वापस जाना है या तो फिर सऊदी अरबिया में जाना है, UAE में जाना है, उसके बाद वहाँ पे जाके हम लोग को VFS से अप्लाई करना है। तो बिल्कुल ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। मैं कतर में लास्ट 4 ईयर्स से कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ और मैं कतर से ही वीजा लगा के डायरेक्टली माल्टा में आ चुका हूँ। अभी ये कैसे पॉसिबल हुआ इसके बारे में मैं छोटा करके आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जब मेरा जॉब सिलेक्शन हुआ, जब मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेरा वर्क परमिट यहाँ पे अप्लाई किया गया। ये टोटल डिटेल्स वीडियो मेरा बाद में आएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को जस्ट बेसिक बताना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल होता है कि नहीं और ये कौन से वीजे के थ्रू यहाँ पे पॉसिबल होता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा जब वर्क अप्लाई हो गया उसका 45 टू 50 डेज का अंदर मेरा पे यहाँ पे वर्क परमिट आ गया और 50 डेज का बाद मेरा कंपनी ने यहाँ पे मेरे बिहाफ पे यहाँ पे CVU में, सेंट्रल वीजा यूनिट CVU में, मेरे कंपनी यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट किए और वहां पे मेरे कंपनी ने मेल करके ये बताया कि इस बंदे को मैं लेके आना चाहता हूँ, इसका वर्क परमिट भी ऑलरेडी मिल चुका है, अभी इसका वीजा अप्लाई करना है क्योंकि कतर में VFS ग्लोबल नहीं है। तो यहाँ पे जो वीजा अप्लाई होगा वो यहाँ पे प्रीमियम डी वीजा अप्लाई होगा। ये प्रीमियम डी वीजा उसी कंट्री से अप्लाई होता है जिस कंट्री में VFS ग्लोबल नहीं है। ओके, और इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लॉन्ग होता है। VFS ग्लोबल में आप लोगों को प्रोसीजर थोड़ा शॉर्ट होता है, थोड़ा जल्दी आप लोगों को वीजा मिल जाता है, मगर अगर आप लोग यहाँ पे CVU के थ्रू प्रीमियम डी वीजा अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा आप लोगों का पैसा भी यहाँ पे ज्यादा लगता है और यहाँ पे टाइमिंग्स भी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ पहले मेरा टोटल टाइमिंग्स जो यहाँ पे लग गया। मेरा इंटरव्यू यहाँ पे हुआ था November 26 को और मैं यहाँ पे फाइनली आ सका यहाँ पे April 13 को और April 12 को ही मेरे पास वीजा रिसीव हुआ। मतलब लगभग टोटल 6 मंथ यहाँ पे लग गया मेरा इंटरव्यू होने का बाद वीजा हाथ में आने तक। ओके, और यहाँ पे जो वीजा है ये आपको खुद को ही अप्लाई करना है प्रीमियम डी वीजा के लिए और डायरेक्टली CVU से आपको डायरेक्टली मेल करना है। अगर कोई भी एजेंट बताता है कि वो एजेंट डायरेक्टली आपके बिहाफ में ये सब कुछ कर देगा तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको खुद को यहाँ पे कांटेक्ट करना है। आप फर्स्ट टाइम खुद से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैं किया था तो यहाँ पे मुझको जो मेल रिटर्न मेल आया था वहाँ पे बताया गया था CVU से कि आप अपना एम्प्लॉयर को फर्स्ट बोलिए, आपका एम्प्लॉयर फर्स्ट हम लोगों से कॉन्टेक्ट करके बताएगा आपके बारे में, उसके बाद ही हम लोग आपसे रब्ता करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मेल फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो मैं ये बात मेरे एम्प्लॉयर को बताया, मेरा एम्प्लॉयर CVU में मेल किया मेरा नाम लेके और उसके बाद CVU से मेरा साथ डायरेक्टली यहाँ पे मेल के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। ओके, उसके बाद 1 by 1 यहाँ पे उन लोग मेरे से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगते गए और जो जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगे वो डॉक्यूमेंट्स सही से सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे सबमिट करता गया। और यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे नॉर्मली अगर आप लोग VFS सेंटर से अप्लाई करते हैं इंडिया से, दुबई से, सऊदी अरब से, जहाँ पे VFS ग्लोबल है तो वहाँ पे आप लोगों का सिर्फ वर्क परमिट का 280 यूरो ही यहाँ पे खर्चा आता है जो कि इंडिया का लगभग 26-27,000 होता है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। मगर यहाँ पे अगर आप लोग CVU के थ्रू प्रीमियम डी वीजा यहाँ पे अप्लाई करता है तो यहाँ पे इसके लिए आप लोग को एक्स्ट्रा 300 यूरो, जिसको लगभग 27,000 हो गया, ये अमाउंट भी आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वर्क परमिट को छोड़ के। वर्क परमिट का तो आप लोग पहले ही 280 यूरो यहाँ पे कर दिया है, मगर इसके लिए आप लोग को अलग से 300 यूरो यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों के पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या तो फिर क्रेडिट कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। आप लोगों के पास अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या तो फिर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप लोग यहाँ पे करने में प्रॉब्लम आएगा, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। तो मैं यहाँ पे मेरे एक दोस्त के थ्रू यहाँ पे दोस्त का ATM लेके उसके ATM के थ्रू यहाँ पे किया था,
तो यहाँ पे आप लोग पहले ही इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या तो फिर क्रेडिट कार्ड बना लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसा कोई भी टाइप का प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। ओके, और यहाँ पे मेरे पास से जितने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा गया था उसी के साथ साथ मेरे पास से यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको आप लोग यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, इसको भी यहाँ पे मांगा गया था। तो यहाँ पे मैं सब कुछ ही यहाँ पे ओरिजिनल दिया था। और याद रखिए यहाँ पे जो आप लोग को इंश्योरेंस बनाना है वो यहाँ पे माल्टा अप्रूव होना चाहिए, माल्टा गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए। अगर यहाँ पे माल्टा अप्रूव नहीं होता है वो, तो वो आप लोग का यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग 3 महीना या तो फिर 1 साल का भी आप लोग इंश्योरेंस ले सकता है। मैं यहाँ पे 1 साल का इंश्योरेंस ले लिया था जो कि मुझे टोटल कॉस्ट आया था 200 यूरो। ओके, और मैं ओरिजिनल टिकट भी लिया था, और कतर टू माल्टा आने के लिए मेरा टिकट में जितना खर्चा आ गया था वो थोड़ा सा ज्यादा ही आ गया था, वो आ गया था आप लोगों का 600 यूरो। ओके, तो टोटल मेरा कितना खर्चा आ गया उधर में, 280 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 600, तो यहाँ पे मेरा 1380, मतलब लगभग मेरा 120,000 तक खर्चा आ गया इंक्लूडिंग टिकट। ओके, इस खर्चे में मैं यहाँ पे कतर से माल्टा यहाँ पे आ गया। मगर यही सिर्फ खर्चा नहीं होता है, यहाँ पे आने के बाद भी आप लोगों का बहुत सारा खर्चा रहता है, जैसे कि आप लोगों को रूम ढूंढना है, रूम में पहले डिपॉजिट पे करना है, उसके बाद एडवांस पे करना है, उसके बाद रहने के लिए फर्स्ट मंथ का सैलरी, खाना पीना सब कुछ का खर्चा आता है। तो इसके लिए भी आप लोगों का कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ता है उसके बारे में भी टोटल धीरे धीरे मैं डिटेल्स यहाँ पे बताते रहूंगा। मगर ये वीडियो मेनली आप सभी लोग, अगर आप लोग यहाँ पे ऐसा किसी भी कंट्री में काम करते हैं या तो भी रहते हैं जहाँ पे BFS ग्लोबल नहीं है, तो वो कंट्री से भी आप लोग माल्टा आके, मतलब यूरोप में आके आप लोग यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। ओके, तो आज के ये वीडियो एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे कब कब यहाँ पे मांगे गए और क्या क्या मुझे देना पड़ा, टोटल सब कुछ के बारे में। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन माल्टा के बारे में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।